CAS में जो कोड फॉर आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है, कोड ऑफ आर्बिट्रेटर फॉर स्पोर्ट्स, अगर बात करें यहाँ पे एक अपील की थी इन्होंने, उस पर फैसला यहाँ पर सामने आ गया। जो अपील थी वो खारिज कर दी गई है। यहाँ पे जो ऑपरेटिव पार्ट जो आया है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ऑपरेटिव पार्ट जो आया है इस फैसले का, उसमें बताया गया है कि अपील खारिज कर दी गई है, जिसका साफ तौर पे मोटा मोटी मतलब ये होगा कि विनेश फोगाट को यहाँ पे मेडल नहीं मिलेगा। अब ये पूरा मैटर क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर उसके बाद IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का यहाँ पे क्या रिएक्शन आया उसके बारे में भी यहाँ पे बातचीत करेंगे, क्या सारी चीजें रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो यहाँ पे वर्डिक्ट निकल के आया है कि क्या हुआ है क्या नहीं है वो मैं बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे अभी। एक सेकंड बस, ये हो गया यहाँ पे। तो चलिए आप लोगों को बातचीत करते हैं विनेश फोगाट के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं फाइनल में उन्होंने जगह बनाई थी, फाइनल में जगह बनाने के बाद जब उनका वेट लिया गया था वो 100 ग्राम ज्यादा था, और उस दिन के बाद से हर भारतीय को 100 ग्राम के वजन की कीमत अहमियत समझ में यहां पर आई थी। 100 ग्राम वजन ज्यादा था जिस वजह से उनको यहां पे डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था। साफ तौर पे बोला गया था कि आप यहां पे बाउट नहीं लड़ सकती हैं, और बाउट इसी वजह से नहीं लड़ पाई। और जो एक शर्त या गोल्ड मेडल था जिसको हम मान रहे थे कि जिस तरह से विनेश खेल रही थी, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, साफ तौर पर कहा जा सकता था यहां पर कि गोल्ड मेडल वो जीत सकती थी। लेकिन यहां पर गोल्ड मेडल से तो हाथ धोया धोया, लेकिन सिल्वर मेडल से भी हाथ धोया जब उनका वजन यहां पे ज्यादा हो गया। 100 ग्राम सिर्फ वजन यहां पे ज्यादा था उनका, और उसके बाद काफी निराशा हाथ लगी। लेकिन बाद में फैसला लिया गया कि चलिए कोई बात नहीं, हम एक कानूनी जंग की तरफ जाएंगे, CAS में हम यहां पे अपील दायर करेंगे। और CAS में अपील दायर करने के बाद अगर हम बात करें, वर्डिक्ट आया यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे ऑपरेटिव आया यहाँ पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, यहाँ पे उसकी एक बेंच थी पेरिस ओलंपिक्स में जो रखी गई थी, यहाँ पे उसका जो ऑपरेटिव फैसला जो कि शुरुआती फैसला जो आया है उसमें ये बताया गया है कि अपील को खारिज कर दिया गया है। और साफ तौर पे यहाँ पे इसका मतलब ये बनता है कि विनेश फोगाट को कोई भी मेडल, सिल्वर मेडल की उन्होंने मांग की थी वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे दो मांग यहाँ पर की गई थी विनेश फोगाट के द्वारा, IOA में यहाँ पर कहूँ क्योंकि IOA ने ये पिटीशन फाइल की थी यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जिसमें विदुष्पत सिंघानिया और हरीश सालवे हमारे लॉयर्स से IOA की तरफ से, और डिमांड पहली डिमांड जो थी वो उसी दिन खारिज कर दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप दोबारा वेट लीजिए, 100 ग्राम एक नेग्लिजिबल वेट है, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं माफ कीजिएगा यहाँ पे, और आप यहाँ पे आप ले सकते हैं। लेकिन वो चीज वहां पे उन्होंने बोला कि नहीं, मैच शुरू हो चुका है, हम इस चीज को, आप दोबारा से आपका मैच तो नहीं हो सकता। तो उसके बाद विनेश फोगाट ने साफ तौर पर यह चीज कही थी कि ठीक है, अब मैं जॉइंट सिल्वर मेडल की तो यहां पे हकदार हूं, क्यों हूं वो भी उन्होंने बताया, क्योंकि उनका यह कहना था कि सिल्वर मेडल तक यानी कि फाइनल तक पहुंचने तक मेरा जो वजन था वो तय कैटेगरी में था, यानी कि 50 किलोग्राम से नीचे था, तो मुझे यहां पे जॉइंट सिल्वर मेडल तो कम से कम मिलना चाहिए। चलिए उसके बाद कहा गया कि आपका जो फैसला आएगा वो 11 अगस्त को आएगा। 11 अगस्त को फैसला नहीं आता है, 13 अगस्त कहा जाता है कि भारतीय समय अनुसार 13 अगस्त रात को 9:30 बजे ये फैसला हम सुनाएंगे, CAS के जो कोर्ट है वहां पे उनके जो जज है। लेकिन यहाँ पे 13 अगस्त को भी फैसला नहीं आता, कल ये कहा जाता है कि 16 अगस्त को फैसला आएगा। लेकिन 16 अगस्त से पहले जो फाइनल फैसला है उससे पहले यहाँ पे जो एक ऑपरेटिव फैसला निकल के आया है उसमें ये बताया गया है कि अपील यहाँ पर खारिज कर दी गई है, विनेश पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट, जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स था, और यहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दी है। एक बहुत बड़ा मैं झटका कहूंगा यहाँ पे, विनेश फोगाट वर्सेस UWW, ये एक केस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसको आप कह सकते हैं, जो अपील यहाँ पर की थी और उसको खारिज कर दिया। लेकिन अब जो चीज, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सब चीजों के बारे में हम अगर हम बात करें, IOA का भी एक अपना पक्ष था, PT उषा ने एक इंटरव्यू में ये बात बोला था, जो कि IOA की प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई कहीं ना कहीं वेट की जिम्मेदारी यहाँ पे खिलाड़ी और कोच की खिलाड़ी और कोच की यहाँ पे रहती है, तो उसके बारे में भी काफी सारी बातें चली थी। लेकिन अब मैं बात करता हूँ IOA के जो प्रेसिडेंट हैं PT उषा, उनका क्या यहाँ पे रिएक्शन निकल के आया है, प्रेस रिलीज यहाँ पे निकल के आई है। साफ तौर पर यह बोला गया, मैं प्रेस रिलीज को ये अगर देख रहा हूँ यहाँ पे, जो
बातें बोली गई है, जो भी चीजें आईओए की तरफ से आई है निकल के, आईओ प्रेसिडेंट एक्सप्रेसेस डिसअपॉइंटमेंट एट आउटकम इन विनेश एप्लीकेशन, जो विनेश की एप्लीकेशन थी उसमें जो फैसला निकल के आया है उससे काफी ज्यादा निराश है आईओए। और पीटी उषा खुद यहाँ पे उन्होंने कहा है कि काफी ज्यादा शॉक्ड है, यहाँ पे पीटी उषा की यहाँ पे बात की गई है, आईओए प्रेसिडेंट डॉक्टर पीटी उषा हैज एक्सप्रेस्ड हर शॉक एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द डिसीजन ऑफ द सोल आर्बिट्रेटर एट द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स टू डिसमिस रेसलर विनेश फोगाट एप्लीकेशन अगेंस्ट द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो कि UWW है, एंड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, दैट मींस IOC, द ऑपरेटिव पार्ट। ये एक पॉइंट है, ऑपरेटिव पार्ट जो कि शुरुआत है यहाँ पे, द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द अगस्त 14th डिसीजन विच डिसमिसेस विनेश एप्लीकेशन टू बी अवॉर्डेड अ सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल की यहाँ पे मांग थी, उसको यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया है इन विमेंस के 50 kg कैटेगरी एट द पेरिस ओलंपिक। आप लोगों को बता दो 50 kg में यहाँ पे विनेश नड़ती हुई नजर आ रही थी। हैज सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस फॉर हर इन पर्टिकुलर एंड द स्पोर्टिंग कम्युनिटी एट लार्ज, यानी कि इसका जो इस निर्णय का जो इम्पैक्ट है वो विनेश में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो पूरी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है, कम्युनिटी है, उस पर भी इसका असर पड़ने वाला है। यहाँ पे आगे बोला गया है द आईओए, उसके बाद ये है द मार्जिनल डिस्परेंसी ऑफ 100 grams एंड द रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसिस हैज प्रोफाउंड इम्पैक्ट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ विनेश करियर बट ऑल्सो रेजेस सीरियस क्वेश्चंस अबाउट एम्बिशियस रूल्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन, यानी कि कहीं ना कहीं जो नियम है उनके ऊपर संशय कह लीजिए, थोड़ा सा सवाल कह लीजिए, क्योंकि हम हॉकी में ये लाइन बहुत ज्यादा सुनते हैं, ओपन टू इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन के आधार पे। अब क्या इंटरप्रेट करा यहाँ पे एक जज ने, जो CS के जज है यहाँ पे, उसके पर भी यहाँ पे निराशा जताई है आईओए ने। द आईओए फर्मली बिलीव्स दैट द टोटल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एथलीट फॉर सच ए वेट इन्फ्रेक्शन ऑन द सेकेंड ऑफ 2 days वॉरेंट्स अ डीपर एग्जामिनेशन। आर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैड ड्यूली ब्रॉट दिस आउट इन द सबमिशंस बिफोर द सोल आर्बिट्रेटर। ये बात बोली गई कि भाई अगर आप देखें कि 2 दिन के वॉरंट में डीपर एग्जामिनेशन होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा डीपर बातचीत होनी चाहिए, जिस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पे चली हैं, और कहीं ना कहीं जो जिस पर सिंघानिया थे आईओए के जो वकील थे, साथ ही साथ हरीश सालवे भी वहां पे थे, बहुत उन्होंने सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट करी, लेकिन फैसला यही आया कि जो शुरुआती फैसला, जो ऑपरेटिव यहाँ पे डिसीजन है, उसमें उनकी मांग खारिज कर दी गई। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। द मैटर इन्वॉल्विंग विनेश हाइलाइट्स आर द स्ट्रिंजेंट एंड आर्ग्यूएबली इनह्यूमन रेगुलेशंस दैट फेल टू अकाउंट फॉर द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस एथलीट्स, पर्टिकुलरली फीमेल एथलीट्स, undergo. It is a stark reminder of the need for more equitable and reasonable standards that prioritize athletes' well-being. यानी कि IOA की तरफ से ये बोला गया है साफ तौर पे कि ये जो बात है आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी होगी आगे इन फ्यूचर। चलिए अभी विनेश वाला मैटर तो हो गया, लेकिन आगे आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि खासकर विमेन एथलीट्स में कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारी चीजें होती है जिनको आपको ध्यान में रख के आगे रूल्स यहाँ पे बनाने होंगे। इन लाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द CAS द IOA कंटिन्यूज टू स्टैंड इन फुल सपोर्ट ऑफ मिसेस फोगाट एंड इज एक्सप्लोरिंग फर्दर लीगल ऑप्शंस। यानी कि ये लड़ाई आईओए की तरफ से अभी खत्म नहीं हुई है, ऐसा आईओए को कहना है। फर्दर लीगल ऑप्शंस यहाँ पे तलाशे जाएंगे, जो भी लीगल ऑप्शंस होंगे उनको यहाँ पे देखा जाएगा। द आईओए इज कमिटेड टू एंश्योरिंग द विनेश केस इज हर्ड, इट विल कंटिन्यू टू एडवोकेट जस्टिस एंड फेयरनेस इन स्पोर्ट्स, इंश्योरिंग दैट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ एथलीट्स एंड एवरीवन इन द स्पोर्ट्स फोल्ड आर अपहेल्ड एट ऑल टाइम्स। ये आईओए के मैं आप बात बता रहा हूँ। वी अप्रिशिएट द कंटिन्यूड सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर स्टेक होल्डर्स एथलीट्स एंड द पब्लिक, यानी कि अंत में शुक्रिया था यहाँ पे अदा किया है, साफ तौर पे बोला है कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो सपोर्ट आप लोगों ने इस मैटर में हमें दिखाया है, इस तो पूरी चीजें बताई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज साफ निकल के यहाँ पर आ रही है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, लड़ाई खत्म नहीं हुई। हालांकि अब फिलहाल के लिए जो भी बात निकल के आई है, विनेश को खाली हाथ यहाँ पर लौटना पड़ रहा है। यहाँ पे उनकी जो मांग थी सिल्वर मेडल की, वो यहाँ पर पूरी नहीं हुई है। ऑपरेटिव जो डिसीजन यहाँ पे निकल के आया है उसके अनुसार ये लगातार इस खबर पे हमारी नजर बनी है। आगे जो भी अगर कुछ आता है, वैसे तो ये मामला मुझे यहाँ पर अब खत्म नजर आ रहा है, लेकिन अगर कुछ भी और आगे आता है, यहाँ पे जो भी अपडेट आती है इंडिया टीवी क्रिकेट पे, मैं आपको लगातार इस न्यूज के बारे में, इस खबर के बारे में, इस मामले के बारे में लगातार सारी अपडेट्स देते आए, आगे भी देते आएंगे। तो आप लोगों को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अपडेट्स हम देते रहेंगे, आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाना ना भूलें। समय कोई भी हो, खबर आपको सबसे पहले इंडिया टीवी क्रिकेट पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।